अश्विन मिश्रा, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग अभी अनजान भी होंगे। 2018 साल जो हमारा था, हमने आपके साथ 2017 विधानसभा यूपी के चुनाव कवर किए, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग की हकीकत दिखाई। अभी शुरुआती दिसंबर महीने में मैंने कुछ वीवीआईपी क्षेत्र, अमेठी हो गए, बनारस हो गए, जैसे जनपदों का 2019 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती उस पर मैंने प्रताड़ की और आपको बताने की कोशिश की कि जनता के मूड में क्या है। 2019 आने वाला है और इस साल लोकसभा चुनाव होगा। 5 साल का लेखा जोखा मोदी सरकार अपना बताएंगे और 5 साल में विकास नहीं हो पाया, राहुल अपना तथ्य रखेंगे। इन्हीं सभी के बीच स्टूडियो और पास इलाकों से दूर हटके भारत के गांव की तरफ जाऊंगा, वहां से जानूंगा कि 2019 में जनता का मूड क्या कहता है। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से 2018 में आपका प्यार मिलता रहा, वैसे 2019 में मिलेगा और 2019 चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी कवरेज, एक नए बैनर के साथ आपके साथ आऊंगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और यूं ही प्यार अपना देते हैं और समर्थन। और आपको लगता है कि आपके इलाके में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाना जाना जरूरी है, तो आप मुझे ईमेल करें या मेरे ट्विटर हैंडल पे या मेरे फेसबुक पे करें कमेंट या ट्यूट मेल। मैं उन मुद्दों को उठाऊंगा, पूछूंगा उन हुक्मरानों से जिनकी जिम्मेदारी होती थी, जो 5 साल में एक बार तो आते हैं लेकिन चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, वो फिर आएंगे आपके दरवाजे में। इस बार मतदान करने से पहले उनसे लेखा जोखा लीजिएगा और हम भी पूछेंगे, हमारी टीम भी पूछेगी उन हुक्मरानों से क्या विकास हुआ है, कितना हुआ है, जनता का हक का पैसा कितना उन तक पहुंचा है। जुड़े रहिए 2019 के फर्स्ट हफ्ते में जनवरी के, आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए बैनर के साथ आ रहा हूं। आपका दोस्त अश्विन, धन्यवाद।